आई एम डॉक्टर भवनीत मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ पीडियाट्रिशन हूँ और अभी आजकल डायरेक्टर प्रिंसिपल हूँ एक नए मेडिकल कॉलेज की तो मेरे को पूछ रहे हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो मैं कहूँगी कि मेरी इंट्रोडक्शन सिर्फ आज ये है कि कुछ दिन पहले एक ड्यूशन मस्कुलर डस्ट्रिफी का बच्चा मेरे पास एडमिटेड था और हमारा कॉलेज चूंकि न्यू था हमारा अभी वेंटिलेशन आईसीयू सेट होना था तो ये एक बच्चा था जो एक प्राइवेट में आईसीयू में इलाज हो रहा था दस बारह दिन हो गए थे खर्चा बड़ा हो चुका था लुधियाना के कॉलेज में था उनको ये था कि कहीं पर हमें कोई जगह मिल जाए अगर कहें पीजीआई में जो कि मेरा मैटर है वहां पे भी इतना रश है आईसीयू में वेंटिलेशन में और आमतौर पर धारणा यही होती है कि अगर आईसीयू में चला गया बच्चा तो उसको मुश्किल है उसको बाहर आना और होता भी है कि बहुत मुश्किल है ऐसी प्रॉब्लम आना तो जब ये बच्चा मेरे पास आया हमारा फर्स्ट कॉलेज का पहला आईसीयू का वो बच्चा था चौदह साल का यह बच्चा जब आया पहले हमने उसको वेलकम किया इंट्रोड्यूस किया कि हम आपका इलाज करने वाले हैं ऑब्वियसली अलर्ट तो पूरा था देख सकता था बात कर सक बात ऐसे नहीं कर सकता था बताने की कोशिश करता था तो उसको जब हम आईसीयू में लेके आए तो मेरे पास एक नई म्यूजिक थेरेपिस्ट आई तो जो म्यूजिक तो 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 हो आज तो टीवी हमने कहीं से भी अरेंज करके देना दूसरा वो वेंटिलेटर भी था और उसने कहा मैंने राजमा चावल खाने हैं जब वो कह रहा राजमा चावल खाने सब सोच रहे हैं राजमा चावल कैसे खिलाएंगे तो मैंने कहा जो उसने बोला बनाना तो है जैसे भी होगा तो हमने राजमा चावल उसके लिए बनाए और मैंने एक राजमा का दाना उसके मुंह में डाला थोड़ा सा उसने टच किया बाकी मैंने कहा ट्यूब में करके दे देंगे तो राजमा चावल भी हो गए अब तीसरी रिक्वायरमेंट फैमिली की थी कि अब वो जिस भी जो भी हमारी फैमिली एंगेजमेंट हमारे यूजली आईसीयू में ऐसा होता है कि हम आने नहीं देते ज्यादा लोगों को किसने कहा अगर कहा नानी ने कहने की लास्ट में कह रहा था नानी के घर जाना है मैंने कहा ले आओ नानी को भी ले आओ जो उसने दो तीन कहा तो उस बच्चे को लगा कि मेरी वॉइस है फिर कह रहे हमारे जो देवता हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं तो म्यूजिक थेरेपिस्ट को तो मैंने कहा कि वो म्यूजिक थेरेपिस्ट दिखाएं हमने उसके साथ फैमिली के साथ फिजियोथेरेपिस्ट तो जो थे थे म्यूजिक का उच्चारण शुरू हो गया रोज हमारी म्यूजिक थेरेपिस्ट जाती और उसको सॉन्ग्स अपना वो एक्टिव म्यूजिक थेरेपी अभी अभी मुझे संजना जी ने किसी म्यूजिक थेरेपिस्ट से ऑर्गेनाइज मतलब मिलाया और उन्होंने कहा कि आपने कौन सा स्केल यूज किया आपने क्या किया मैंने कहा हमने कुछ नहीं किया हमने सिर्फ बच्चे को प्यार किया कोई हमारी नहीं है आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट वी डेंट डू एनी थिंग वी जस्ट लव चाइल्ड वी जस्ट मेड श्योर दैट ही हैज अ वॉइस वी आर कनेक्टेड टू दिस एंड देर इज अ फैमिली एंगेजमेंट एंड आई वर्क विद वन ऑफ माई साइकोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है मैं कहती हूँ कि मैं तो कई चीजें इंटिवली करती हूँ बस सोचा कि जो करना है वैसे करना इसका नाम नहीं मुझे पता बोला ये किसी को बताना नहीं कि आपने आपने बड़े नाम लेने होते हैं कहना मैं एक्लेक्टिक थेरेपी करती एक्लेक्टिक थेरेपी मीन्स समथिंग विच इज प्रैक्टिकल समथिंग विच कैन सी सो हमने वो किया सो आई एक्चुअली दिस चाइल्ड वॉज सो बेनिफिटेड इनफैक्ट हमारे को जो मेरे कुली की थे जो आईसीयू में लुधियाना में कर रहे थे बोला यार आपका आईसीयू तो बहुत बढ़िया है मैंने बोला हमारा आईसीयू बढ़िया नहीं है हमारे पास एक ही बच्चा है हमने हमने उसी उसी को देखा है है के साथ एंगेज किया है, और वो बिना सारे आईसीयू वाले बोलते थे ट्रिकॉस्टमी करना है पंद्रह दिन का हो गया पंद्रह दिन के बाद ट्रिक्योस्मी ट्यूब डालनी है हमने कोई ट्रिकॉस्मी नहीं की कोई कुछ नहीं किया बस रेगुलरली हाँ वेंटिलेशन से धीरे 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 करके फैमिली एंगेजमेंट के साथ हमने उसको म्यूजिक किया तो ये जो है हमारी म्यूजिक थेरेपिस्ट उसको दे रही है तो मैं सोचा कि ये वीडियो दिखा दू तो दो साल पहले जब वो स्कूल में मना कर दिया कि स्कूल वालों ने कहा हम नहीं उसको लेंगे तो चाइल्ड वॉज एट होम ओनली तो एकदम उसका कोई रहा नहीं था कहाँ जाए क्या करे तो जब हमने डिस्चार्ज भी किया एक लास्ट वाला उसके बाद दिखा देंगे वीडियो तो वो बच्चा कहता कि मुझे फिर भी कनेक्टेड रहना है तो दिस म्यूजिक थेरेपिस्ट अब उसके ऑनलाइन सेशंस लेती है रोज रात को साढ़े सात बचे दिखानी थी एक फोटो भेजिए दिखा दिखा लास्ट में। लास्ट में ये फोटो ए जनरेटेड है ए से जनरेट किया म्यूजिक थे तो ये हमारी म्यूजिक है ये तो बिल्कुल बहुत सुंदर है दिस इज एआई जनरेटेड इमेज For a music therapy being given to a child with Duchenne muscular. Thank you.